जो रहने वाला है वो विभाजन सुनिश्चित होना, ठीक है। अभी हम लोग जो भारत में राष्ट्रध्वज का उदय हम लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रध्वज के उदय के कारण क्या थे, उसे कांग्रेस में नरम दल गरम दल हम लोगों ने पढ़ा, कांग्रेस में किस प्रकार से फूट पड़नी शुरुआत हुई उसके बारे में हम लोगों ने देखा, कांग्रेस में किस प्रकार से बंगाल विभाजन ने कांग्रेस के आंतरिक कलहों को किस प्रकार से बढ़ा दिया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1906 में तो बातें तो टल गई, हालांकि विभाजन वहीं से होना सुनिश्चित हो गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने बीच बचाव करते हुए खुद को मतलब अध्यक्ष पद पे सुशोभित किया और मतलब विभाजन को टाल दिया। लेकिन वो दिन आ जाता, 1907 का समय आ जाता जिसमें विभाजन को एकदम सुनिश्चित बना दिया, से विभाजन होना एकदम मतलब अब तय हो गया, ठीक है। अतिवादी, अतिवादी का मतलब नवराष्ट्रवादी कह लीजिए, जिस गुट के तिलक लोग थे, ठीक है। तो अतिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए तथा बाल गंगा तिलक या लाला लाजपत राय का इसके अध्यक्ष चुने जाए। देखिए ध्यान में रखिएगा ना, कांग्रेस का अधिवेशन जहां पे होता था ना उसका अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होता था, ठीक है, समझिएगा, समझ रहे हैं ना। कांग्रेस का अधिवेशन अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के क्षेत्र से होगा, अगर नागपुर के क्षेत्र से होगा, पुणे के क्षेत्र से होगा, तो कांग्रेस का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जो अतिवादी जो चाहते थे वो चाहते थे से कांग्रेस का 1907 का जो वार्षिक अधिवेशन जो है नागपुर मध्य प्रांत में मतलब आयोजित किया जाए तथा बंगाल तथा सॉरी तथा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने जाए। साथ ही, ठीक है, साथ ही यहाँ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया जाए, ठीक है। अतिवादी का प्रस्ताव क्या था, से तुम जो स्वदेशी आंदोलन जो केवल बंगाल में चला रहे हो इसको क्या करो, संपूर्ण देश में चलाओ, ठीक है। इसको मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसको चलाने की बात चल रही थी, ठीक है। जबकि कांग्रेस के जो मतलब जो थे नरम दल के नेता जो थे, जो इसके विस्तार का मतलब समर्थन नहीं करते थे, तो ये भी एक मतभेद का कारण था जिसकी जो कि हम लोगों ने पीछे की क्लास में हम लोगों ने इस पर मतलब क्या किया, चर्चा किया। दूसरी ओर अतिवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाता था, किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष बनने ना दिया जाए, ठीक है, समझ गए, मतलब सूरत में आयोजन किया जाए और किसी भी स्थिति में मतलब क्या होना चाहिए, तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस के अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सूरत दैट टाइम की बात की गुजरात महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ नहीं था, गुजरात महाराष्ट्र का बंटवारा कब होता है, 1907 में होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वहां पे बात की थी से मैं यहाँ पे जो नरम वाले लोग जो थे, नरमवादी की बात करेंगे, वो लोग जो थे उनका मानना था कि मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस के अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरज जो था तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। उन्होंने रास बिहारी घोष को, नॉट बोस, इट्स घोष को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने का जोरदार मांग किया। इस समय दोनों पक्षों में अड़ियल रुख अपना लिया, मतलब दूसरा पक्ष दोनों में से कोई भी पक्ष झुकना नहीं चाहता था तथा समझौते की नींद किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस में विभाजन सुनिश्चित हो गया, क्योंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या था, उदारवादियों का इस समय कांग्रेस में क्या था, वर्चस्व था। फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज या स्वशासन की मांग की तथा संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का भी निर्णय लिया। तो ये आंदोलन जो था, ये आंदोलन क्या होता है ना, समाप्त, मतलब ये कांग्रेस का जो अधिवेशन जो होता है वह समाप्त हो जाता है, मतलब इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, क्योंकि जो थे बाइकॉट कर जाते हैं, पूरी तरह से वॉकआउट हो जाते हैं, कौन तो कौन वॉकआउट हो जाता है, ठीक है, नव राष्ट्रवादी कह लीजिए या फिर अतिवादी जो कह लीजिए वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसमें मारा पीटी की भी थोड़ी स्थिति मतलब क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, तो सूरत में क्या होगा, कांग्रेस का मतलब क्या होगा, विघटन हो गया। आप देखेंगे सरकार द्वारा दमन, इसके पश्चात सरकार ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ किए। 1907 से 1911 के मध्य सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून लाए गए, ठीक है। इसके इसके बीच में देखेंगे 1907 में सूरत अधिवेशन होती है और 1911 के बीच में, ठीक है, बंगाल 1911 के बीच में बहुत सारे अतिवादी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें होगी, क्योंकि इस समय जो देखिएगा ना, इस समय उग्रवाद जो होगा 1907 में, ठीक है, 1907 और 1911 के बीच में उग्रवाद जो होगा अपने चरम पे होगा, बहुत सारी उग्रवादी घटनाएं होगी। जैसे 1908 में ध्यान में रखेंगे, 1908 में आप देखोगे तो क्या होगा, बॉम्ब फेंका जाएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड। 1909 में अनंत कन्हरे के द्वारा जैक्सन को गोली मार दी जाएगी, ठीक है, और बहुत सारी घटनाएं इसमें आपको देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने एक उग्रवाद का अपने चरम पे घटना था। उग्रवाद का अपने चरम पे होने का रीजन क्या था, से भाई साहब उग्रवाद जो भी उग्रवादी नेता जो थे वो तो कांग्रेस से बाहर हो गए, तो उनको मतलब खुला मतलब सपोर्ट मिल गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
तो इस तरीके से जो उग्रवादी विचारधारा वाले लोग जो थे उनको भी मतलब एक तरह से लगा से नहीं कांग्रेस बिल्कुल गलत कर रही थी, तब तो हमारे नेता ने मतलब क्या किया, कांग्रेस ने मतलब अपना एक अलग रुख बना लिया, ठीक है। तो उनको भी मतलब क्या मिला, तो उनको भी मतलब अपना मनोबल बढ़ गया से नहीं से हम लोग जो कर रहे हो कहीं ना कहीं सही है। इन कानूनों में राजद्रोह सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून अधिनियम 1908 तथा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 प्रमुख थे। ये प्रमुख अधिनियम लाए गए थे जो कि मुख्य था राष्ट्रवाद के उदय को रोकना, ठीक है, इनका उद्देश्य था, ठीक है। मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को 1909 में देशद्रोह के आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, चूंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा था जिसमें दो निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गई थी, ठीक है। तो 1908 में जो मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों, जो कि नाम तो आप लोग जानते, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, एक खुदीराम बोस था, दूसरे कौन थे, प्रफुल्ल चाकी, अच्छा ठीक है। दोनों के दोनों के बारे में इन्होंने अपने पत्र में मतलब अपने केसरी के माध्यम से इन्होंने उनके बारे में लिखा था, कहीं ना कहीं से मतलब दबे कदमों से इन्होंने मतलब उनका उत्साह भी मतलब बढ़ाया था, ठीक है। तो इस वजह से इनको मतलब देशद्रोही साबित करने की मतलब कोशिश की गई, ठीक है। तिलक ने कहा, निसंदेह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा, इस प्रकार के घिनौने कृत्य से यह संभव नहीं कि इस देश में ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाए, लेकिन असीमित शक्ति का उपयोग करने वाले शासकों को यह याद रखना होगा कि मानवता के धैर्य की भी एक सीमा होती है। कई अखबारों ने सरकार को चेताया कि यदि वे रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीय भी रूसी तरीकों की नकल करने को बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। रूसी तरीका क्या था, जो कि लेनिन के द्वारा वहां पर रेगुलेशन चलाया जा रहा था 1917 में, वो क्या था, बहुत ही मतलब क्या था, बहुत ही मतलब हिंसक तरीका था। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा कि लोगों को स्वराज प्रदान करने के अधिकार की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तिलक को दोषी ठहराया गया और उनपे 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, 6 वर्षों के लिए देश निकाला दिया गया, ठीक है। तो कितने वर्ष का सजा हुआ था मतलब अपने, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको अपने लेखनी के माध्यम से, ठीक है, लेखनी के लिए मतलब लिखने के लिए, ठीक है, किनको सबसे पहली बार सजा हुई थी, तो तिलक को सजा हुई थी, या तिलक को सजा कितने वर्षों की हुई थी, तो 6 वर्षों की सजा जो थी तिलक को हुई थी, ठीक है, ध्यान रखें, किसके लिए, तो लेखनी के लिए मतलब पत्र लिखने के लिए इनको सजा हुआ था। और किसमें इन्होंने पत्र लिखा, तो केसरी में लिखा था, किसमें लिखा था इन्होंने, केसरी में लिखा था, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में तिलक ने किस पत्र में लिखा था, तो केसरी में लिखा था, किसमें लिखा था, केसरी में लिखा था। और ब्रिटिश सरकार को भी केसरी के पत्र के माध्यम से इन्होंने चेताया था, इसके बदले इनको कितने वर्षों की सजा हुई, तो 6 वर्षों की सजा हुई। कहां पे इनको भेजा गया, तो मांडले जेल में भेजा गया, ठीक है, कहां पे, मांडले जेल में इनको सजा काटने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अब मांडले जेल कहाँ पे पड़ता था, बर्मा में पड़ता था, या फिर म्यांमार भी रहेगा तो वो भी सही है, ठीक है। इनको 6 वर्षों की सजा दिया गया। और इस समय दो घटना और भी होती है, क्योंकि बिपिन चंद्र पॉल तथा अरविंद घोष जो थे सक्रिय राजनीति से क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तथा लाला लाजपत राय जो थे विदेश चले गए, ठीक है। तो दोनों को, दोनों नेता बिपिन चंद्र पॉल अरविंद घोष, ये सब के सब ने सक्रिय राजनीति से मतलब क्या कहा, इन्होंने संन्यास ले लिया, तिलक साहब जेल चले गए और लाला लाजपत राय साहब विदेश चले गए। तो अतिवादी के द्वारा जो आंदोलन चल गया चलाया जा रहा, तो अब क्या हो गया, शिथिल पड़ गया, क्योंकि सारे के सारे नेता जो थे वह इधर उधर हो गए। दोनों तो पॉलिटिक्स छोड़ दी, बिपिन चंद्र पॉल साहब अरविंद घोष साहब ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, लाला लाजपत राय विदेश चले गए और तिलक साहब कहाँ पे थे, जेल में थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबके सब लीडरलेस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अब ये मोमेंट की बात करेंगे, लीडरलेस हो गया। तो इस वजह से भी उग्रवाद का मतलब क्या होगा, जन्म होता है, अतिवादी आंदोलन को आगे रखने में असफल रहे, उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई तथा युवाओं को सहयोग का समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहा, क्योंकि उदारवादी का जो विचारधारा जो था युवाओं से मिलता नहीं था, इसलिए युवा जो था उनका जो समर्थन जो था उदारवादी कभी भी प्राप्त नहीं कर सके, ठीक है। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया और इसमें दोबारा तेजी तब आई जब 1914 में मतलब क्या होता, तिलक मतलब क्या होते हैं, जेल से मतलब रिहा होते, ठीक है। 1908 में जेल गए थे, इसमें 1909 दिया हुआ है लेकिन 1908 में ही गए थे, और 1914 में मतलब जेल से रिहा होते हैं, ठीक है। किस जेल में रिहा, किस जेल से रिहा होते हैं, तो मांडले जेल से, ठीक है। अब आते हैं सरकार की रणनीति। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके प्रति सरकार का रुख जो था सहयोगात्मक था, पता ही है कांग्रेस जब शुरू में बनी थी तो सरकार का रुख कैसा था, सहयोगात्मक था, कांग्रेस भी सरकार की सहयोग करती थी,
और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कांग्रेस का सहयोग करती थी, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस जो था राष्ट्रवाद के विचारधारा पर चलने रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो मतलब क्या हो गया, कांग्रेस की विरोधी हो गई। ठीक है, इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, उदारवादियों ने प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद से स्वयं को दूर रखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जिनका आभास भी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मिलना प्रारंभ हो गया। इस समय भी कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार रुख यथावत बना रहा, क्योंकि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों के विरुद्ध थी। ठीक है, तथा राष्ट्रवादी में उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस की बात करेंगे तो राष्ट्र साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों के विरोध थी। मतलब उनका नहीं मानना था कांग्रेस जो है साम्राज्यवाद विरोधी है, मतलब औपनिवेशिक शक्ति का विरोध कांग्रेस नहीं करती, ऐसा मानना था शुरुआती दौरे में अंग्रेजों का। तथा राष्ट्रवादी में उदार शिक्षित वर्ग का कांग्रेस जो है प्रतिनिधित्व करती है। किंतु बाद में क्या हुआ, किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह क्या था, भंग हो गया, तथा उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में क्या किया, परिवर्तन किया। शुरू में ब्रिटिश को क्या लगता था, शुरू में ब्रिटिश को लगता था कांग्रेस जो है उनका समर्थक है, कांग्रेस जो है समर्थक औपनिवेशिक या फिर साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों के विरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि बात करेंगे राष्ट्रवादी में उदार शिक्षित वर्ग का कांग्रेस क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन बाद में जब कांग्रेस जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को चलाया तो उसकी वजह से सरकार का रुख जो था कांग्रेस के प्रति क्या हो गई, बदल जाती है। सरकार की इस नीति के तीन प्रमुख शब्द अवरोध, संत्वना एवं दमन के रूप में समझा जा सकता। तीन नीति क्या थी, एक अवरोध थी मतलब तो रोकना, संत्वना देना और दमन करना। ठीक है, अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। ठीक है, तो पहला नीति में क्या किया उन्होंने, मतलब उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई, जो अतिवादी जो थे उनका दमन करना शुरू किया। ठीक है, ताकि जो थे उदारवादी जो थे खुद ब खुद मतलब डर जाए। ठीक है, जैसे मतलब वही कहानी होगी, अगर एक बच्चा को डराना है तो दूसरे को पिटना शुरू कर दीजिए, पहला वाला खुद ही डर जाएगा। मेरे साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, अतिवादियों का दमन किया ताकि उदारवादी भी मतलब डर के रहे, कंट्रोल में रहे। ठीक है, दूसरा चरण में क्या किया था, दूसरा चरण में सरकार एवं उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दे पर सहमति हुई, तथा सरकार ने उदारवादियों का आश्वासन दिया कि यदि वह अतिवादियों से स्वयं को अलग रखे तो भारत में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते। मतलब दूसरा वाला क्या था, सांत्वना था। दूसरा वाला नीति में उन्होंने बोला, अगर आप उदारवादी से अगर आप अतिवादी से स्वयं को अगर आप दूर रखेंगे तो भारत में संवैधानिक सुधार के माध्यम से और भी चीजें मतलब क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। इसको क्या बोला गया था, इसको सांत्वना बोला गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों के अतिवादियों से मतलब पृथक करना, तो मतलब भड़काना था, मतलब उनका मानना था से मतलब अतिवादी जो है सो उनका मार्ग जो है सही नहीं है। ठीक है, अगर उदारवादी अगर अतिवादी से अगर दूरी बनाकर रखेंगे तो संवैधानिक कदमों पर चलते हुए भारत का और भी विकास हो सकता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दूसरा वाला चरण का, से दोनों के बीच में मतलब फूट डालना। इस प्रकार उदारवादियों के अपने पक्ष में करने के पश्चात सरकार ने अतिवादियों का दमन का मार्ग आसान हो गया। अब यहाँ पे तीसरा वाला में क्या था, दमन था, किसका दमन, अतिवादी का दमन, ना कि उदारवादी का, क्योंकि उदारवादी तो ब्रिटिश के फेवर में हो गया, किंतु बाद में उदारवादी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार बन गए। दुर्भाग्यवश जबकि राष्ट्रवादी में समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी, उदारवादी तथा अतिवादी दोनों ही अंग्रेजों के रणनीति के शिकार हो गए, तथा वे सरकार की वास्तविक मंशा को नहीं समझ सके। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में तो लड़ गए, उदारवादी और अतिवादी दोनों आपस में तो लड़ गए, लेकिन सरकार की जो वास्तविक मंशा थी उनको नहीं समझ पाए। ठीक है, और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस का सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की इसी रणनीति का एक प्रतिफल था। अगर इनडायरेक्टली तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की जो सूरत अधिवेशन, जिससे अतिवादी और राष्ट्रवादी ठीक है आपस में क्या कर टकराव जाते हैं, उदारवादी और अतिवादी आपस में टकराव जाते, क्या रीजन था, तो कहीं ना कहीं से ब्रिटिश ने ही मतलब दोनों को भड़का के रखा था। ब्रिटिश ने उदारवादियों को बोला, अगर तुम अतिवादी से दूर रहोगे तो संवैधानिक तरीकों से भारत का विकास और भी संभव हो सकता है। और उन्होंने अतिवादियों पे मतलब क्या किया, अतिवादियों पे उन्होंने मतलब कौन सा, तो उन्होंने मतलब क्या किया, तो उन्होंने मतलब उनसे दमन की नीति अपनाई। इससे मतलब दोनों के दोनों मतलब क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। अतिवादी के मन में यह विश्वास आ गया से कहीं ना कहीं उग्रवाद, अतिवादी के मन में विश्वास आ गया से उदारवादी नेता ही उनका दमन करवा रहे, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है ब्रिटिश सरकार से मिले हुए हैं। और जबकि उदारवादी नेता सोच के चल रहे थे हम अगर अतिवादियों से दूर रहेंगे तो संवैधानिक तरीकों से सरकारें हमारे साथ रहेगी। इस वजह से सूरत अधिवेशन होता है, जिसके तहत नरमपंथी तथा अतिवादी एक दूसरे के दूर होते गए तथा उनके मतभेद सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए। ठीक है,
और सूरत अधिवेशन तो इतना खराब था, इसमें मारापीटी जैसी स्थिति भी शुरू हो गई थी, ठीक है। और ये सारे कंडीशन हो गया तो इससे भी मन नहीं भरा था, एक व्यापक स्तर पर चीजें चलती है, जो कि 1909 में आपको देखने को मिलेगा। 1909 में क्या आएगा, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। क्या था 1909 में, तो 1909 में आएगा मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो, ठीक है। मार्ले साहब जो थे उस समय भारत के सचिव थे, ठीक है, भारत के राज्य सचिव थे, ध्यान में रखेंगे। और मिंटो की बात करें तो मिंटो क्या थे, तो मिंटो के बारे में ध्यान में रखें, मिंटो जो थे भारत के उस समय क्या थे, तो मिंटो उस समय भारत के क्या थे, तो भारत के उस समय वायसराय हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको जरा आप लोग ध्यान से समझे, मैं बता दूंगा क्या पूछता है। सबसे पहले तो अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधिमंडल कहा जाता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से जा मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, ठीक है। कहाँ पे मिला था, शिमला में मिला था। कहाँ पे मिला था, शिमला में मिला था, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, आगा खान। कौन कर रहा था, तो आगा खान इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। कब मिला, तो 1906 में मिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने बोला सर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, प्रणाली की व्यवस्था की जाए। आप बोलोगे सर पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, तो चलिए मान लीजिए कोई जगह है जिसका नाम है ए, ठीक है, ए नाम का कोई जगह है, ठीक है। और ए नाम की जगह की बात करेंगे तो यहां से पृथक निर्वाचन प्रणाली से मान लीजिए ए नाम की जगह, मुसलमानों को ए नाम की जगह को अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए घोषित कर दिया जाए, तो यहां से केवल मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होंगे, ठीक है। मुसलमान कैंडिडेट में कोई खड़ा हो रहा है, बी कैंडिडेट खड़ा हो, सी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, डी कैंडिडेट खड़ा हो, सबके सब क्या है, तो सबके सब मुसलमान है। अब मुसलमान को भी वोट देने वाला लोग कौन है, तो लोग भी की बात करेंगे तो मुसलमान ही है, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन में ये होता था, मतलब जिस भी धर्म के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र वो घोषित होता था, वहां से, ठीक है, उसी धर्म के लोग ही वोट कर सकते। तो इससे क्या होता, क्षेत्र विशेष बट जाता। मान लीजिए ए क्षेत्र से यहाँ से मुसलमान आ रहा है, बी क्षेत्र से हिंदू आ रहा है, सी क्षेत्र से फिर मुसलमान आ रहा है, डी से फिर मतलब आ रहा है, ऐसे क्षेत्र विभाजन हो जाता है। तो देश में हिंदू मुस्लिम या फिर दो धर्मावली के बीच में क्या होता है, एक खाई जो था उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो थे कांग्रेस जो थे इसके विरोधी भी थे। लेकिन क्या होता है, मार्ले मिंटो जब 1906 में जब एक शिमला में एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है जिसका नेतृत्व आगा खान जब कर रहा था, तो इन्होंने बोला से देखिए हम लोग शुरू से सुपीरियर क्लास है, ठीक है, क्या हम शुरू से सुपीरियर क्लास है, भारत में हमने शासन किया है। उन्होंने अपने सल्तनत काल से लेकर मुगल एम्पायर तक के हवाला देते हुए बोला, तो भाई साहब भारत में हम शासन किए, भारत में हम राजा महाराजा थे, लेकिन अभी हमारी स्थिति जो है खराब हो चुकी है, रीजन के हमारे शिक्षा की कमी है, बहुत अधिक समस्या। अगर आप हमें पृथक निर्वाचन नहीं दोगे तो हम अपना विकास कैसे करेंगे, हम सुपीरियर क्लास रहे तो आप हमको सुपीरियर की तरह ट्रीट करो, हम शुरू से ब्रिटिश का भक्त भी रहे, ठीक है, और आगे भी हम ब्रिटिश सरकार की मदद करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को हमारा संरक्षण करना चाहिए, हमको पृथक निर्वाचन देना चाहिए, ठीक है। ये बातें सुनते कि ये बात जैसे ही सुना तो लॉर्ड मिंटो की तो बाछे खिल गई, उसे लगा रही है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगर एक समुदाय अगर हमसे अगर विरोध में भी रहेगी तो भारत का दूसरा जो बड़ा समुदाय वो हमारे समर्थन में रहेगी। अब मिंटो को बहुत मतलब ये बहुत मौका मिल गया, ठीक है। और जब ये पत्र जब उसने लॉर्ड मार्ले को जब उसने पत्र के माध्यम से सारी बताए बातें बताई, तो मुस्लिम को भारत में पृथक निर्वाचन दे रहे हैं, तो लॉर्ड मार्ले ने इनको रिटर्निंग में जो पत्र लिखा था उसने बोला से आप नाग के दांत बो रहे हैं, ठीक है, नाग के दांत के बीज बो रहे हैं, ठीक है, मतलब नाग का जो दांत जो होता है उसका बीज बो रहे हो, आगे चल के इसके परिणाम बहुत ही मतलब भयानक हो सकते हैं। मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था के तहत मताधिकार देना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और लॉर्ड मार्ले की जो बातें जो थी वो बिल्कुल सही साबित होती है। और यही जो 1906 में जो मिला था, ठीक है, शिमला में एक प्रतिनिधिमंडल, आगे चल के आप देखोगे ढाका में क्या होता, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, इसी दिन भारत विभाजन की नींव पड़ गई, ठीक है। भारत विभाजन की नींव जिन्ना के आने से नहीं पड़ी, जिन्ना तो 1920 के बाद जाके मुस्लिम लीग में शामिल होता है, इसी दिन भारत विभाजन की नींव जो होती है पड़ गई, समझिए इसको। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका के नवाब क्या था, सलीमुल्लाह खान।
नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तब मुस्लिम लीग की स्थापना यहीं से की गई क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए इनका जो कान में जो ये विचार जो रखा था, इनके मन में जो ये विचार जो दिया था, किसने दिया था? तो मिंटू ने दिया था। मिंटू ने कहा कि देखो वो बात तो ठीक है, तुम कह रहे हो उसे हम तुम्हारा समर्थन करें, तुम सुपीरियर क्लास हो, लेकिन तुम अपने मांगों को रखोगे हमारे पास कैसे? माने कि तुम्हारा जनसंख्या है, ठीक ठाक है, अच्छा है, तुम्हारे समुदाय के लोग हैं, लेकिन तुम अपना एक संगठन बनाओ, जैसा कि कांग्रेस ने अपना संगठन बनाया है, उसी तरह से तुम अपना संगठन बनाओ और संगठन के माध्यम से मांग हमारे पास रखो, जैसा कि कांग्रेस रखती है। तब यहाँ पे इसके संगठन बनाने के लिए लॉर्ड मिंटो ने प्रोत्साहित किया और उसी का परिणाम था से आप देखोगे ढाका में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रहने का प्रयास किया। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे उनको बोला कांग्रेस से आप दूर रहिए, अब मुस्लिम समुदाय के लोग की बात करेंगे, अब मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे, तो मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो उन्होंने मतलब कांग्रेस के प्रति, सॉरी साम्राज्य के प्रति, मतलब ब्रिटिश के प्रति निष्ठा बनाने की बात कही। और ये निष्ठा आपको दिखती भी अंतिम अंतिम तक ब्रिटिश जो थे, सॉरी मुस्लिम जो थे, ब्रिटिश साम्राज्य के निष्ठा, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखे। हालांकि सारे मुस्लिम तो नहीं, और जो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे जो थे, शिक्षित मुस्लिम समाज के जो लोग थे, बड़े नेता थे, उनको भी बोला गया से कांग्रेस से दूर रहे। ठीक है, और होता भी है, सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों को देख लो, कांग्रेस में निष्ठा नहीं रखते थे, कांग्रेस के विचारों में निष्ठा नहीं रखते थे। ठीक है, और हालांकि जिन्ना की बात करेंगे तो जिन्ना तो कांग्रेस में ही था शुरू में, और जिन्ना जो था मुस्लिम से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पुल का काम जिन्ना करता था। ठीक है, जिन्ना पढ़े लिखे थे, ठीक है, उसमें अच्छी खासी अंग्रेजियत थी। ठीक है, इस्लाम धर्म के होने के बावजूद इस्लाम के मूल धर्म को नहीं पालन करता था, वाइन पीता था, ठीक है, पोर्क तक खाता था वो। ठीक है, मतलब कोई भी लक्षण जो इस्लाम का जो मूल ग्रंथ में जो था उसमें नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सीतू का काम करता था। लेकिन जब 1920 के दशक में जब गांधी जी जब आते हैं, तो जिन्ना के अलावा भी गांधी जी बहुत स्तरीय नेता, जो कि मतलब छोटे छोटे प्रांत से जो नेता, तो उनको भी भूमिका देना शुरू कर देते हैं। ये बात जिन्ना को खनक जाती है, ऐसे जब हम कांग्रेस में जब हम है ही, तो गांधी या फिर और कोई नेता और मुस्लिम नेताओं को क्यों मतलब बढ़ोतरी दे रहा है? ठीक है, क्योंकि अबुल कलाम आजाद साहब आ जाते हैं, और भी बहुत सारे मुस्लिम नेता आ जाते, जो कि बिहार से भी थे, हसन इमाम साहब थे, इन सबको जब भूमिका जब बढ़ने लगती है कांग्रेस के बीच में, तो जिन्ना कहीं ना कहीं से घबरा जाता है और उसको लगने लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं हमारे एजेंट थ्रो तो काम नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं से बाद में हमारे समुदाय के, हम अपने समुदाय के खिलाफ कांग्रेस में है, अपने समुदाय के विरोध में कांग्रेस में है, हम कोशिश चाहते हैं भारत में एक अलग तरह की व्यवस्था देखने, संप्रदायवाद अपने चरम पे ना जाए। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रीय नेता को जब बढ़ावा, जब क्षेत्रीय मुसलमान नेता को जब बढ़ावा मिला, तो जिन्ना कहीं ना कहीं कांग्रेस में अनसिक्योर फील करने लगा। 1920 में उन्होंने मतलब क्या किया, पार्टी को त्याग करके पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग में शामिल हो गया। अगर जिन्ना मुस्लिम लीग का भी सदस्य था और कांग्रेस के भी सदस्य था, इसलिए मैंने बोला से दोनों के बीच में सेतु का काम करती थी। जब कुछ ऐसा हो जाता था, जिन्ना का यूज किया जाता था, तुम इन चीजों को मिटिगेट करने का काम करो। ठीक है, हालांकि 1920 में पूरी तरीके से पार्टी छोड़ देता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगने लगा असुरक्षा महसूस होने लगी, क्योंकि कांग्रेस में वो चाहता था, कांग्रेस में वो रहे थे मतलब एकमात्र मुस्लिम नेता के तौर पर कांग्रेस में रहे। ठीक है, उसके सामने किसी दूसरे मुस्लिम नेता का उत्थान न हो। लेकिन गांधी जी ने बहुत सारे क्षेत्रीय मुस्लिम नेताओं को भी पार्टी में जोड़ना शुरू कर दिया, इसे जिन्ना जो था सुरक्षा होकर छोड़ देता पार्टी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के समुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मार्ले भारत सचिव से मिलने इंग्लैंड चले गए। ठीक है, आप देखें स्वशासन, अन्य जगह पे आप देखोगे तो कांग्रेस अन्य जगह पे ब्रिटिश जो रूल जो कर ले, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो थी, तो वहां पे स्वशासन मिला हुआ था। मतलब बहुत सारे मायनों में तो लोग फिर भी अभी गुलाम थे, जैसे विदेश जैसे मामले हो गए, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब तो मुद्रा वगैरह सब तो मतलब किसके कंट्रोल में है, डिफेंस वगैरह सब तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, लेकिन एक तरह से अपने घरेलू मामलों के लिए जो थे स्वशासन के मामले में लोग स्वतंत्र थे। तो इसका मांग जो थी, इसकी मांग जो थी कांग्रेस के उदारवादी नेता शुरू से कर रहे थे। ठीक है, इसी मांग को करने के लिए गोखले साहब जो थे, ठीक है, लॉर्ड मार्ले से जॉन मार्ले, लॉर्ड मार्ले कह रहा हूँ या फिर जॉन मार्ले कह रहे, जो उनसे मिलने
इंग्लैंड गए, ठीक है, जो कि उस समय कौन थे, भारत सचिव थे। अब देखेंगे मुख्य सुधार आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मानव उदारवादी और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर क्या थे, सहमत हो जाते हैं। उन्होंने सुधार और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया जिसे, ठीक है, मार्ले मिंटो, ठीक है, सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम का डिमांड क्या था, पृथक निर्वाचन। से हमको क्या मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए, ठीक है। यही मार्ले मिंटो सुधार का जो दस्तावेज जो था उसमें मतलब क्या होता, मुस्लिम के इस मांग को वो मांग लेते हैं। 1909 में मतलब क्या करते हैं, मुसलमानों के लिए मतलब क्या करते हैं, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार जो था वह उनको दे देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्लियर। ये उनको क्या होता है, दे दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। अब इसी के रूप में आप देखो भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909 में आता, इसी में मतलब पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिनके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या जो थी अधिक बनी हुई थी। सुमित सरकार की बात करें, सुमित सरकार जो इतिहासकार है, सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन क्या होते थे, सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में से 37 जो होते थे सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 जो होते थे नामजद होते थे, 27 मतलब चुने हुए सदस्य होते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्वाचित 27 सदस्य में 8 पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए क्या था, आरक्षित है, ठीक है। ये 27 में से 8 जो था मुसलमानों को दे दिया गया। 4 जो थे ब्रिटिश पूंजीपति के लिए था, 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थी और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थी। मतलब क्या, यही 32 में से बांट के इन लोगों ने 5 नामजद कर दिया, 27 चुने हुए सदस्य थे, इसमें से 8 मुसलमान को दिया गया, ठीक है। 4 ब्रिटिश पूंजीपति के लिए था, ठीक है, 2 सीटें जमींदार के लिए आरक्षित थी और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नीचे चलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर लेंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, ठीक है। किसका स्टेटमेंट था, लॉर्ड मार्ले का, ठीक है। ये सुधार ब्रिटिश राज्यों को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में, लॉर्ड मार्ले। 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, भीषण होंगे, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया, मैं शुरू में इसके बारे में बताते हैं। लॉर्ड मार्ले ने लिखा था लॉर्ड मिंटो के एक पत्र में, से हम लोग जो है क्या, से पृथक निर्वाचन दे के नाग के क्या कह रहे हैं, बीज बो रहे हैं, जिसके परिणाम क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा खराब होंगे। और इसका एग्जाम्पल आपको कब देखने को मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कब, तो ध्यान में रखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के आसपास आप देख ही सकते हो। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न पर न कोई हल हो सकता, नहीं इसमें वह हो सका, किसका स्टेटमेंट, मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था। उनके चारों ओर राजनीतिक घेरेबंदी कर दी गई, उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया, एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में यह घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के कारण इसने पूरी राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया, ठीक है। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है, इन्होंने, ठीक है, मॉन्टेगू सॉरी मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में इन्होंने कहा था, ठीक है, इन्हें जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, किसका स्टेटमेंट है, तो के एम मुंशी का स्टेटमेंट है। क्योंकि मार्ले मिंटो सुधारों में जो पृथक निर्वाचन की बात की गई थी वो एक तरह से कैंसर से कम नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को मतलब क्या करेगा, तो विनिष्ट कर देगा, ठीक है। स्टेटमेंट किसका था, जवाहरलाल नेहरू का था। और लॉर्ड मार्ले मिंटो के उभरते हुए प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया, के एम मुंशी का था। हम नाग के दांत बो रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट की बात करेगा, मार्ले साहब का था, ठीक है, याद रहेगा। और क्या क्या था इस सुधार में, और क्या क्या था वो हम लोग देख लेते हैं इसमें, और क्या क्या था। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था, ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका का सदस्यों का निर्वाचन करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए, इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियासत दी गई, उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मतलब इसमें क्या था, जैसे केंद्रीय प्रतिनिधित्व में, विधान परिषद जो था, प्रांतीय विधान परिषद या फिर केंद्रीय विधान परिषद जो था, उसमें जनसंख्या के अनुपात में ही सदस्य जाते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारी जनसंख्या तो हिंदुओं की तुलना में कम है, अगर हम अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हमको बांटोगे तो फिर हम बिल्कुल मेरे साथ न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी कम है। उस समय से हमारी सीटें जनसंख्या के अनुपात में न करके हमारी सीटें फिक्स की जाए, इनका ऐसा मान था। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया था, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से मार्ले मिटो सुधार में मुसलमानों को खुश करने की कोशिश जो थी वह की गई थी। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई, सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनको उन विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का भी अधिकार जो था दे दिया गया। ये याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। व्यवस्थापिका को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के व्यवस्थापकों में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। इतना सारा अधिकार देने के बाद भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार भी दे दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था थी। अब पहले भारतीय सदस्य जो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी को चुना गया था। क्या नाम था इनका पूरा, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न, ठीक है, प्रसाद नहीं है, इस प्रसन्न है, ठीक है, सिन्हा जी को चुना गया था। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की बात जो कही गई थी 1909 के जो एक में जो था, इसमें मतलब जो पहले जो भारतीय सदस्य जो थे कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी को चुना गया था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में सुधार का मूल्यांकन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग आगे पढ़ कर आइएगा, और पीछे वाला जो भी है वो फैक्ट को आप लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में होता है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग, कल के क्लास में मिलता, आगे के टॉपिक को देखेंगे। खत्म होने वाला है क्या ये, ठीक है, कल के क्लास में हम लोग इसको खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत हो जाएगा। चलिए, तो कल के क्लास में यहाँ से आप लोग सभी लोग पढ़ कर आइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।